गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज तुम पहले आ गए, क्या बात है। गुड। कितना नंबर पेज में थे हम लोग, कंप्लीट करते हैं उसको, थोड़ा देर का ही डिस्कशन वो बाकी है। 13 नंबर पेज में थे। करेंट लायबिलिटी स्टार्ट करेंगे कि हो गया था बहुत कुछ। करेंट लायबिलिटी का बोरोइंग का कंप्लीशन हो गया था। ओके, उसमें वो 5 नंबर पॉइंट को नोटिस किए क्या, क्या था बोलो तो। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग अभी चेंज हो करके बोरोइंग में दिखाना पड़ेगा। पहले जब तुम लोग पढ़ता था इंटर में तो अदर करंट लायबिलिटीज में आता था। चलो अदर फिनेंशियल लायबिलिटी को पढ़ो। वो जो नीचे लॉन्ग टर्म डेट वाला बात लिखा हुआ, वो नॉर्मली लिखा हुआ है, वो अदर फिनेंशियल लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा हुआ, वो ऐसे ही एक लाइन लिखा हुआ है। कोई बात करने का है या आगे चलें? हेलो, पढ़ रहे हो, पढ़ो। हाँ नहीं, उसका अलग से नोट नहीं है, यही सब आइटम सब वहां चला जाएगा अगर नॉन करेंट नेचर का हुआ तो। ए नंबर है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बी है डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, सी है अगर कोई एप्लीकेशन मनी हमको मिला है जो रिफंड करना पड़ेगा, मतलब जितना हमको अलॉट करना है, जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं बोलते हैं क्या, उससे ज्यादा पैसा अगर मिल गया। अब शेयर एप्लीकेशन मनी कल हम लोग बात किए थे कि वो इक्विटी है, कल बात हुआ था ना कि वो इक्विटी है, लेकिन अगर मान लो 400 करोड़ रुपया हम मांगे थे इक्विटी, हम 400 करोड़ रुपया देंगे, पब्लिक हमको 700 करोड़ रुपया दे दिया, तो वो 300 करोड़ रुपया तो हमको वापस करना पड़ेगा ना। सो दैट बिकम्स माई करेंट लाइबिलिटीज। अनपेड मच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, अनपेड मच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट, सिंपल है। चलो अदर करेंट लाइबिलिटी में जाओ, विच आर नॉन फिनेंशियल इन नेचर, विच आर नॉन फिनेंशियल इन नेचर। टिक लगा दूं, चलो आगे बढ़ो। सर रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस को, हेलो, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस को फिनेंशियल लायबिलिटी क्यों नहीं बोलते? जैसे तुमसे ट्यूशन फीस हम पहले ले लिए हैं, क्योंकि हम बदले में तुमको रुपया नहीं देंगे। अगर रुपया देने का लायबिलिटी होता तो फिनेंशियल लायबिलिटी होता, हम तुमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सो दैट इज नॉन फिनेंशियल लायबिलिटी। आगे पढ़ो। प्रोविजन सिंपल है ना, प्रोविजन फॉर इंप्लॉई बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी था और प्रोविजन फॉर इंप्लॉई बेनिफिट शॉर्ट टर्म में भी है, लॉजिक क्लियर है। अगर ग्रेच्युटी जैसा प्रोविजन है तो लॉन्ग टर्म है, अगर बोनस जैसा प्रोविजन है
तो शॉर्ट टर्म है। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल में ना आपको बी सी डी वगैरह जो है वो सब एमएसएमई का है, तो उसको स्ट्रेस मत लेना, बस एमएसएमई को अलग से दिखाना है, आप इतना कर लेना। बी सी डी और ई नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, पढ़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन जस्ट इग्नोर दैट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एमएसएमई एक्ट। तो हम लोग तो एमएसएमई एक्ट तो पढ़े हुए नहीं है रहते हैं, तो हम लोग को आइडिया नहीं रहेगा, तो इट्स बेटर टू इग्नोर इट। आप बस ये ध्यान रखना कि किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग अगर क्वेश्चन में एमएसएमई को लेके लिखा हुआ है उसको डिस्क्लोज कर देना। जब ट्रेड पेएबल का नोट बनाओगे, आपको पता चले ये ट्रेड पेएबल से रिलेटेड है, आप एमएसएमई नाम आते ही ये समझ जाना हमको अलग से बताना है, दैट्स इट। बाकी बी सी डी ई को छोड़ सकते हो। ट्रेड पेएबल का एजिंग शेड्यूल देखो, 5 नहीं है, 4 है, दिखा? कौन सा वाला नहीं है? 0 to 6 month वाला नहीं है, बाकी सब है। 0 to 6 month को और 6 month to 1 year को मर्ज कर दिया है। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड को अलग से दिखाना पड़ता है। मोहम्मद मुमताज आलम, ड्यू डेट इज द आंसर। संपूर्णा सेन, अनबिल्ड ड्यू लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, आपने पूछा था और मैंने बता दिया था कि हम काम कर चुके, सामने वाले के ऊपर बिल रेज नहीं किए। सिमिलरली सामने वाला मेरे लिए काम कर चुका लेकिन बिल रेज नहीं किया, दैट डजंट मीन कि मेरा लाइबिलिटी नहीं है। जी नंबर पॉइंट को पढ़ोगे, पढ़ लिए? नहीं समझ में आया बोलिए, नहीं समझ में आएगा नहीं, कैसे कैसे समझ में आएगा? एक अलग से इंड एस है, इंड एस 105, कॉपी में लिखो, कॉपी में पैराग्राफ नंबर 22, हेडिंग लिखो नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल।
ओके अगर आपके पास कोई नॉन करेंट असेट है, मान लीजिए कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई भी नॉन करेंट असेट है, अगर आपको लगता है आप उस नॉन करेंट असेट को रिकवर, माने उसके जो कैरिंग अमाउंट है बैलेंस शीट में, उसको रिकवर, उसको यूज करके नहीं करोगे, उसको बेच करके करोगे, नहीं समझे? अब जैसे बिल्डिंग है आपने निकाल दिया इसको बेचने के लिए, प्लांट है आपने बेचने के लिए निकाल दिया, सो दैट इज कॉल्ड नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। उसके लिए अलग से एक इंडेस 105 बनाया हुआ है और वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसको ना तो नॉन करेंट असेट बोलोगे ना करेंट असेट बोलोगे। अब आप बोलेंगे सर एक तो बोलिए, मना किया उन्होंने कुछ भी बोलने से मना किया है, तो बोला सर बैलेंस शीट में लिखेंगे कैसे, एकदम लास्ट में अलग से नॉन करेंट असेट पहले लिख दिए, फिर करेंट असेट लिख दिए, फिर अलग से नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल, वैसे दिखलाना पड़ता है। क्लियर है? लिखो, ये हेडिंग हो गया, नीचे लिखो इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ ए नॉन करेंट असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड आप आए तो कम से कम उस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, नहीं तो वो ऐसे बैठी रहती है, लगता पूरा दुनिया का बोझ उसी के ऊपर है। क्या लिखा बोलो तो बेटा? इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड बाई ए सेल ट्रांजैक्शन एंड नॉट थ्रू इट्स कॉन्टिन्यूअस यूज। क्या लिखा है? नॉट थ्रू इट्स कॉन्टिन्यूअस यूज, फुल स्टॉप। सच असेट्स आर शोन सेपरेटली फ्रॉम बोथ करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट असेट्स। लिख पाए? तो सर कहां दिखाएंगे? आपके बैलेंस शीट में तो कहीं था नहीं, आप जो हम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिए थे उसमें था ऐसा कोई नाम? नाम होता तो आपको याद रहता, आप उस दिन भी पूछ लेते तो अपना पहले ही डिस्कशन में आ जाता, वहां नाम नहीं है क्योंकि बहुत कम कंपनियों में ऐसा होता है। क्योंकि अलग से इंड एस 105 में लिखा हुआ है तो अब आप समझ लो कि ये आ गया। तो सर कैसे करेंगे? सारा नॉन करेंट असेट पहले लिख दीजिए, सारा करेंट असेट फिर लिख दीजिए, उसके बाद यहां पे थर्ड समझ लो, तीसरा नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल। इसमें लायबिलिटीज भी आता है, डिस्पोजल ग्रुप का लायबिलिटीज भी आता है, उसको भी ऐसे अलग से दिखाना पड़ता है, बट अभी उसके ऊपर मत जाओ, उसका जब डिस्कशन आएगा 2-3 वीक के बाद तब देख लेंगे। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट पैरा में चलो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी।
हो गया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट, आपने दो चीज नोटिस किया वहां पे, रोमन वन और रोमन टू, क्या फर्क देखा दोनों में ये बताओ मेरे को। अच्छा आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, फिर हम अपना बात रखेंगे। कमिटमेंट वाला नहीं समझ में आया तो फिर पूछ ही लिया अल्टीमेटली जो मुझे पूछना था, तो चलिए मैं बताऊंगा ही। सुनिए, बहुत बढ़िया डिस्कशन है और बहुत हेल्दी है। जरा बोर्ड पे देखो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब हुआ, ऐसे तो आप जानते हो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता, आप तो इंटर में पढ़े हुए ही हो। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जब मच्योर होता है ना, माने जब होता है फ्रक्टिफाई हम लोग बोलते हैं, जब वो एक्चुअल लायबिलिटी बनता है तो कंपनी को लॉस होता है, लॉस होता है। कमिटमेंट जब एक्चुअल लायबिलिटी बनता है ना तो कंपनी को असेट मिलता है। दोनों में मेन फर्क यही है सर। मतलब आप ये समझ लो कि मेरे अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है कोर्ट में और मैं हार गया और मेरे को 50,000 रुपया देना पड़ा, टेल मी ये जो मेरे को देना पड़ेगा 50,000 रुपया, ये मेरे पीएल में लॉस बन के आएगा या असेट बन के आएगा? लॉस बन के आएगा। अब कमिटमेंट सुनो, पार्टली पेड शेयर का अनकॉल्ड लायबिलिटी, मान लीजिए मैं कोई कंपनी का 10,000 शेयर खरीद के रखा हूं, 8 रुपया ही कॉल करके पेमेंट हो गया है, अभी 2 रुपया वो जब मांगेगा तब हम देंगे, तो वो जब मांगेगा तब हम देंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी के जैसा ही फीलिंग आ रहा है कि नहीं, कि फ्यूचर में वो मांगेगा और हम देंगे, वो नहीं मांगेगा तो हम नहीं देंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी का जैसा फीलिंग है कि नहीं। पर ये फीलिंग को कंटिंजेंट लायबिलिटी से इंस्टीट्यूट ने बोला अलग करो, थोड़ा सा अलग करो, वहीं रखो पर दो पार्ट बनाओ। तो लोगों ने बोला कैसे बनाए, बोला ऐसे सोचो ये पैसा जब तुम 2 रुपया देगा तो तेरा शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, तेरा फुल्ली पेड हो जाएगा शेयर, तेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। यहां लॉस होगा, पीएल में हिट करेगा, कहां पे? हाथ देखा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के केस में। पर यहां जब तुम वो 20,000 रुपया देगा तो तेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। तो कमिटमेंट में और कंटिंजेंट लायबिलिटी में यही फर्क है। आप सारा कमिटमेंट देखिए, आपको वैसा फील होगा। देखिए एक एक करके, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। मेरी तरफ देखो, मान लो तुम बच्चों ने मेरे को बोला सर मेरे लिए बिल्डिंग बनवा दीजिए, 20 लाख का एक ठो घर बनवाने के लिए तुमने मुझे बोला कि सर ये लीजिए 20 लाख का घर बनवा दीजिए। अब जैसे जैसे घर बनेगा वैसे वैसे तुमको पैसा देना पड़ेगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी टाइप का फीलिंग तो आ रहा है ना। लेकिन आप खुद सोचो, क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है या तुम्हारा कमिटमेंट है? जब तुम पैसा दोगे मेरे को तो घर भी तो लोगे, तो इधर तुम पैसा दोगे तो घर लोगे, ये कमिटमेंट हुआ। नीचे वाला देखो, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, ये तो अभी अभी बोले। ऐसे ही मान लो जैसे कमिटमेंट होता है, जैसे मान लो मैंने इस, तुम लोगों का कोई स्टार्टअप है, ठीक है, मैंने कमिट किया आज के 3 साल बाद जब तुम्हारा एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा मेरे पास आना, 100 करोड़ रुपए का फंडिंग हम देंगे, तो हम कमिटेड है तुमको देने के लिए। लेकिन जब हम तुमको 100 करोड़ रुपया देंगे तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या लोन कुछ ना कुछ तो बैलेंस शीट में मेरा एसेट भी आएगा ना। ये फर्क है कमिटमेंट और कंटिंजेंट लायबिलिटीज में। तो सर हम लोगों का नोट्स ऑन अकाउंट्स का डिस्कशन एक बार यहां पे रुक रहा है। इसके नीचे जो पैराग्राफ है ना IJK हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, बट नॉट एग्जैक्टली नाउ, विल डू इट आइदर टुडे के एंड की तरफ या कल की क्लास में। अभी एक बार यहां पे हम लोग रोकेंगे डिस्कशन को एंड एक आध दो सम बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देन वापस यहां पे आएंगे, बिकॉज बहुत सारा चीज पढ़ना हो गया है। ओके, और बिफोर आई डू एनीथिंग, कॉपी में मेरे को 2 चीज लिखाना है, आप लिखो। कितना नंबर पैराग्राफ? 23।
डिक्लेयर्ड डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड में क्या फर्क है? डिक्लेयर्ड डिविडेंड में देखिए कितना अच्छा बात बोला, डिक्लेयर्ड डिविडेंड में शेयर होल्डर का हक बन जाता है कि अब उनको पैसा मिलेगा। अब इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, यस, कंपनी का लायबिलिटी बन जाता है कि अब उसको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच। ऐसे ना, अब इस तरह से बोलो, जो तुमको लगे ना ये ट्रू एंड फेयर है उसको बोलो, देखना वो 99% केसेस में सही रहेगा। फॉरगेट कि तुम इंटरमीडिएट में क्या पढ़े थे, तुम्हारा दिमाग आज के दिन जो बोलता है उसको तुम सामने रखो, फाइनल में तुम देखना हर चीज जो लॉजिकल रहता है वही बुक में लिखा रहता है, कोई दादागिरी नहीं होगा इसमें। टू, अगर डिक्लेयर डिविडेंड है और मेरा लायबिलिटी है तो हम एक टू डिविडेंड पेएबल के नाम का लायबिलिटी खड़ा करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 100 करोड़ रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर लोगों को दूंगा, माई कंपनी, आई डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 100 करोड़, तो मेरे को लायबिलिटी क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो दैट डिविडेंड्स आर पेएबल आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, उसमें भी सरप्लस से दिया जाता है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ, जल्दी बोलो, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, सरप्लस बोलते, सरप्लस का ही दूसरा नाम रिटेन्ड अर्निंग है। तो ये जर्नल एंट्री होती है बेटा डिक्लेयर्ड डिविडेंड की, कॉपी में लिखो डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ए करके लिखो जर्नल एंट्री ये वाला, ओके। अब वापस से बोर्ड की तरफ देखोगे, इसका प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट कैसे होगा, इसका प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट कैसे होगा, 2 दिन का ही डिस्कशन हुआ है टुडे, ऐसे बोलो तो 4th क्लास है, टोटल 3 क्लास लिए हैं, पहला तो इंट्रोडक्शन में चला गया, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का डिस्कशन कर रहे हैं और एक लेवल तक पहुंच गए हैं कि हम लोग छोटा सा पहला सम बना पाएंगे। ओके, तो आप बोलने लायक हो, आप हमको बताओ इसका डिस्कशन बैलेंस शीट में कैसे होना चाहिए। बोलो, सरप्लस से लेस करना होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस का हम लोग नोट्स बनाएंगे, हर चीज का ही तो नोट बनेगा ही, आपने तो देखा अदर इक्विटी का भी नोट बन रहा है, हर आइटम का नोट बना कि नहीं आप हमको बताओ, एक दो का नोट नहीं बना, बच्चा पूछ लिया अरे इसका नोट काहे नहीं बना, अभी कौन पूछा ना इसका नोट काहे नहीं, सबका नोट बनेगा, अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास देने के लिए है हम उसका नोट जरूर बनाएंगे, एकदम क्लियर स्टैंड रखना ये वाला। तो सर ये तो सरप्लस से लेस हो जाएगा, नीचे लिखो बी, टू बी शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सरप्लस, इसका क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटी थोड़ा और रिफाइन करो। करेंट लायबिलिटी में तो 1560 नाम है, 1560 माने बहुत सारा नाम है, फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलो, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लियर है, लिखो डिविडेंड पेएबल विल बी शोन। देखिए यही फाइनेंशियल असेट लायबिलिटी, पहला दिन कैसा अजीब सा लग रहा था, अभी हम लोग धीरे 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 कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, 4 महीना बाद जब 109 तक पहुंचेंगे, जब रियल पढ़ाई होगा उसका, तब तक हम लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे। लिखो डिविडेंड पेएबल विल बी शोन अंडर करेंट लायबिलिटीज अंडर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। कंफर्टेबल? अच्छा, अब आप सीए फाइनल में हैं, आपको ये अच्छे से मालूम है कि अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आ चुका है
तो आप उसका एंट्री करने नहीं जाओगे, एंट्री हो चुका है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं मेरा ट्रायल में डिविडेंड पेएबल ट्रायल के क्रेडिट साइड में दिख रहा है, बोलिए ट्रायल के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी डिविडेंड पेएबल दिख रहा है, तो खाली लायबिलिटी है ना, सरप्लस से तो लेस होने का काम हो चुका होगा ना, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अकाउंटिंग अगर हो चुका तो जबरदस्ती कैसे अकाउंटिंग करोगे, तो ये चीज थोड़ा सा तुम ध्यान दे देना, बाकी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट लिखो डी, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन द नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग कमेंट करो, ऐसा ही सुंदर सा कमेंट करो कि लगे हां ठीक जान रहे हो, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में अकाउंटिंग कब होगा, नेक्स्ट ईयर में या करेंट ईयर में, आराम से टाइम लो और सोचो, नहीं मालूम तो ऑब्वियसली हम बताएंगे, डांटेंगे नहीं, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में होगा, बिकॉज डिक्लेयर होने के पहले आप लायबिलिटी बोल ही नहीं सकते, हक जब हुआ ही नहीं शेयर होल्डर का तो मेरा लायबिलिटी कैसे बनेगा, मेरा लायबिलिटी बनने के पहले डिक्लेयर होना पड़ेगा। तो मैं जब बोलूंगा 31 मार्च का लायबिलिटी, तो 31 मार्च का तो लायबिलिटी है ही नहीं, वो तो अगले साल बना है लायबिलिटी, तो मैं अगले साल रिकॉर्ड करूंगा। तेरा बात लिख रहे हैं, लिखो क्या लिखा, डिविडेंड पेएबल इज डिक्लेयर्ड इन द नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग, कॉमा करके लिखो, वी रिकॉर्ड इट इन द नेक्स्ट ईयर। फुल स्टॉप। लेकिन एक शेड्यूल 3 में एक रिक्वायरमेंट है छोटा सा, कि करेंट ईयर में इस चीज को नोट्स में दिखला दीजिएगा, नहीं एक तो नोट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी नहीं, माने एक तो अलग से नोट डिविडेंड प्रपोज्ड बोल के या डिविडेंड डिक्लेयर्ड नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग बोल करके एक नोट्स में दिखला दीजिएगा, क्योंकि डिविडेंड का तो स्टोरी होता है ना, पहले डायरेक्टर लोग रिकमेंड करता है, फिर प्रपोज करता है, फिर डिक्लेरेशन तो जाकर के एनुअल जनरल मीटिंग में या जनरल मीटिंग में होता है ना, तो करेंट ईयर में उसका नोट्स डाल दीजिएगा। लिखो वहीं पे सेम पैरा में, हाउ एवर इन द करेंट ईयर इट शुड बी फर्निश्ड एज अ नोट। हाँ बेटा थोड़ा जोर से बोलो। अब ये वहां पे चेंज हो गया है, वहां पे भी चेंज हो गया, वहां पे भी यही वाला बात पढ़ोगे जो अभी हम लोग पढ़ाए हैं बात को। होल्डिंग सब्सिडरी आप जानते हैं थोड़ा सा, खाली उतना ही पूछेंगे जितना आप जानते हैं। ये क्वेश्चन है, करेंट ईयर में होल्डिंग का प्रॉफिट 400 करोड़ है, सब्सिडरी ने 300 करोड़ कमाया, हम लोग तो कंसोलिडेट करेंगे तो 700 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, क्या पूरा 700 करोड़ मेरा है या इसमें से कुछ प्रॉफिट एनसीआई का भी है, माइनॉरिटी लोगों का भी कुछ प्रॉफिट है इस 700 करोड़, माइनॉरिटी समझे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नाम बोले क्लास में, बस एक दो लाइन का खाली डिस्कशन है, उसके बाद हम लोग आज पहला सम बनाएंगे। बोलो एनसीआई का इस 700 करोड़ में कोई हिस्सा है क्या, कितना है, 700 का 20% या 300 का 20%, अच्छे से देखो, आप लोगों से नहीं होगा गलती, इंटर के बच्चे गलती करते थे, आप थोड़ा मच्योर हो गए हैं दो साल, 300 का 20% ना, किस लिए, ठीक बोले हैं, 400 तो मेरा है, हम कमाए हैं, अब तुम एक सब्सिडरी कंपनी है, इधर देख, तुम एक सब्सिडरी कंपनी है, वो एनसीआई है,
तेरे अंदर उसका 20% स्टेक है और तेरे अंदर मेरा 80% स्टेक है, तो हम है तुम्हारा बाप, जल्दी हम 80% स्टेक होल्ड करते हैं, वो तुम्हारे अंदर 20% स्टेक होल्ड करती है, तो मैं 400 करोड़ कमाया, तू मेरा घर का आदमी है, तुम 300 करोड़ कमाया, तो हम लोग टोटल मिला के 700 करोड़ कमाया, तो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनता है, जिसको अलग से फरवरी के एंड में पढ़ाएंगे। तो 700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा कितना है? तुम्हारा हिस्सा मेरा प्रॉफिट में थोड़ी है, जल्दी बोलो, इसका प्रॉफिट में है ना, तो इसका प्रॉफिट कितना है? 300 का 20% ले लो, हेलो 60 ले लो, तो 700 में से हम लोग 60 दे देंगे टू एनसीआई, जो बचेगा वो 640 हमारा है, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। ये वाला बात आपके इंटरमीडिएट में कंसोलिडेशन के चैप्टर में था, हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे एज ए लास्ट चैप्टर, सब पढ़ने के बाद इसको पढ़ना पड़ता है, उसके पहले इसको नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एनसीआई साला इसी बीच 15 बार आ जाएगा, 20 बार तो कम से कम आएगा ही, थोड़ा सा आइडिया तो होना पड़ेगा ना उसका यार। अब सोचो ना वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन जनवरी एंड में पढ़ेंगे, पर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर रोज आएगा वो, तो एक बार आइडिया क्लियर कर लो, ये छोटा छोटा पॉइंट उसी के लिए लिखा रहे हैं। लिखो, हेडिंग दे दो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये लिखा रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम लिखा रहे हैं, हेडिंग दे दो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लिखो, इफ ए पेरेंट डज नॉट होल्ड इंटायर 100% स्टेक इन ए सब्सिडियरी, देन द स्टेक हेल्ड बाय outsiders is called, लिख पाए एक बार रिपीट करो क्या लिखे, if the parent does not hold entire 100% stake in the subsidiary then the stake held by outsiders is called non-controlling interest। अमन कल बात हुआ था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहां दिखाना है, इक्विटी के अंदर में ही कि इक्विटी से बाहर, राइट बोले हो आप लोग, हाँ सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इक्विटी के अंदर में ही दिखाइएगा, मतलब आप ऐसे करोगे इक्विटी फिर तीन ठो नाम ए बी सी, क्लियर है, इक्विटी के अंदर में ही दिखेगा, ये बात हो गया था, लिखाए थे क्या कॉपी में या लिखाए नहीं थे, नहीं लिखाए होंगे, लिखाए थे, ओके देन ड्रॉप कर दो। लिखो, वी हैव टू बी, उसी पॉइंट में, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एनसीआई, व्हाइल गिविंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एनसीआई फुल स्टॉप, एनसीआई शुड बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सब्सिडियरीज प्रॉफिट अब ये वाला एग्जाम्पल लिखो,
ओके इसमें भी ना बेटा सुनो, इसमें भी क्वेश्चन जब बनता है ना, एक बार लिख लो और फिर मेरी तरफ देखो जल्दी से। रेडी? इसमें भी कई बार जब क्वेश्चन बनता है ना तो इसको डेबिट साइड में लिख देता है, इसको क्रेडिट साइड में लिख देता है। नहीं समझे? इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, इसको डेबिट साइड में लिख दिया, एनसीआई को दे दिया शेयर, एनसीआई को जो 60 मिलना चाहिए वो एनसीआई में क्रेडिट कर दिया है, पर पीएल को डेबिट नहीं किया। अभी भी नहीं समझे भाई? ये आप 60 अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को पैसा क्रेडिट करोगे तो एनसीआई तो बढ़ेगा और पीएल डेबिट होगा ना। ये तो पीएल डेबिट हो रहा है ना, प्रॉफिट गिर रहा है ना, तो प्रॉफिट को गिराएगा नहीं, डेबिट साइड में लिख देगा इसको और इसको क्रेडिट साइड में लिख देगा। वैसा ही काम डिविडेंड के लिए भी करता है भाई। डिविडेंड का जर्नल एंट्री ये होता है ना, सरप्लस टू डिविडेंड पेएबल, वो डिविडेंड पेएबल को पेमेंट भी कर दिया है, डिविडेंड पेड टू बैंक लिख दिया है और सरप्लस को गिराया है नहीं, और डिविडेंड पेड डेबिट साइड में ट्रायल में दिख रहा है। तो डिविडेंड पेड अगर डेबिट साइड में दिख रहा है तो पेमेंट तो हम कर चुके, लाइबिलिटी इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, तो सरप्लस से गिराना बाकी है ना। डिविडेंड पेड कैन नॉट बी एन असेट। तो ये सब चीज ना, वो जो कचरा करेगा ना थोड़ा 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 थोड़ा, उसको आप केयरफुली समझना, आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा यार ये असेट थोड़ी है यार, ये तो कहीं से माइनस होने वाला चीज है। तो आप चेक कर लेना, इफ समथिंग यू फाइंड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड यू फील दैट इट इज नॉट एन असेट देन व्हाट इट इज, उसको आप एनालिसिस कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इनिशियल पीरियड के सम्स में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े ही नहीं है ना कुछ, तीसरी चौथी क्लास में खाली फॉर्मेट डिस्कस किए और इंट्रोडक्शन डिस्कस किए हैं, बट सब्सिक्वेंटली हम लोग प्रॉपर जब अकाउंटिंग के अंदर घुसेंगे तब आपको सीए फाइनल का डेप्थ दिखाई देगा। ओके चलो, पेज नंबर 29 में जाओ। उसका पॉइंट नंबर 8 को देखो। करंट नॉन करंट का डिस्कशन कर रहे हैं। बिफोर यू स्टडी एक बार मेरी तरफ देखो। रेडी? पूरा शेड्यूल 3 और पूरा इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, नॉन करंट असेट और करंट असेट, एंड दे आर वेरी वेरी रिजिड। इफ यू क्लासिफाई समथिंग एज करेंट विच इज एक्चुअली ए नॉन करेंट असेट, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड सीरियसली। एंड सेम इज विद द लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटी। कल एक हम 15-20 मिनट का डिस्कशन किए थे इक्विटी वर्सेस लाइबिलिटी का, याद है? ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, कल तो 15-20 मिनट हुआ था, ये बड़ा चैप्टर है, विल डिस्कस दैट। लेकिन आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। 2, इंस्टीट्यूट ने करेंट असेट को डिफाइन किया है, नॉन करेंट असेट को नहीं किया है, और बोला है कि जो करेंट नहीं है वो नॉन करेंट है। 3, करेंट असेट के डेफिनेशन में उन्होंने 4 पैराग्राफ डाला है, 4 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बड़ा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, 2 पैराग्राफ पीरियड रिलेटेड है, टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है? टाइम में अमन मेरी तरफ, बुक तो देखेंगे ना, बुक तो पढ़ेंगे अच्छे से, अभी मेरी तरफ देखोगे, एक पैराग्राफ में 12 महीने का जिक्र है और एक पैराग्राफ में ऑपरेटिंग साइकिल का जिक्र है, ठीक है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब हुआ पैसा लगाने से पैसा वापस आता है ना बिजनेस में, यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स,
यू कन्वर्ट देम इनटू WIP, यू मेक इट फिनिश गुड्स, यू सेल इट एंड देन यू कलेक्ट इट फ्रॉम द डेटर्स। इस दौरान तुमको जितना वक्त लगता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें चार पीरियड को ऐड किया जाता है, वो चार है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड और डेटर्स कलेक्शन पीरियड। बुक बाद में देखोगे, सारे स्टूडेंट लोग कोई नीचे नहीं देखे, बंद कर दो तो बुक एक बार सब पढ़ना होगा, बहुत देर तक, बहुत मेहनत है। अभी हल्का फुल्का चीज देख करके अपने आप को परेशान कर लोगे। ओके, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम? क्रेडिटर को जो उधार मिलता है क्रेडिटर से, वो माइनस नहीं होता है। सर मतलब तुम देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड और डेटर्स होल्डिंग पीरियड, ये सब क्या होता है? ये इंटर में FM में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में। ऑल दिस फोर आर वर्किंग कैपिटल रिलेटेड आइटम्स, यस और नो? अब इंटरेस्टिंगली बोलो, सरप्राइजिंगली बोलो या रॉन्गली बोलो, क्रेडिटर्स का होल्डिंग पीरियड को माइनस नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है अकाउंट्स में, खाली आज के चैप्टर में, मतलब खाली इस चैप्टर में, बाकी दुनिया में हर जगह माइनस होता है, बट यहां पे लॉ ने डिफाइन किया है कि भाई ऑपरेटिंग साइकिल ऐसे ही निकलेगा। अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा बात है, बाकी डिटेल बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे, जितना आज पढ़ेंगे खाली उतना सुनो। अब मान लो रॉ मटेरियल मेरे घर में 3 महीना रहता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाता है, हम खरीदते, 3 महीना तक वो मेरे स्टोर्स में रहता है, देन आई पुट इट इन द मशीन। मशीन का प्रोसेसिंग टाइम मान लीजिए 11 महीना है, मशीन के अंदर वो आउटपुट बनने में उसको 11 महीना लगता है, माने एक इनपुट को आउटपुट बनने में भी तो वक्त लगता है, से दैट इज 11 मंथ्स। 6 महीना लगता है फिनिश गुड्स को बिक्री होने में, ये ऑन एन एवरेज है, ये सब एवरेज होल्डिंग पीरियड निकाला जाता है, हर कंपनी निकालती है। और फिनिश गुड्स का, ये हुआ फिनिश गुड्स का, सॉरी 6 महीना। और डेटर्स का कलेक्शन होने में मेरे को लगता है 11 महीना या 13 महीना, माल बेचने के बाद पैसा कलेक्शन होने में 13 महीना लगता है। तो अगर इन चारों को ऐड करेंगे, 11 and 3, 14 and 6, 20 and 11, 33 मंथ, 33 मंथ इज माई ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, इसमें हो सकता है क्रेडिटर को पे करने में मैं 12 महीना लेता हूं, बट उसको यूज नहीं करना है। नाउ कम्स द क्रक्स, बड़ा बात अब स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल आपको क्वेश्चन पेपर दे देगा, नहीं दिया तो आप ऐसे करके चार पीरियड को ऐड करना, पांचवा नहीं, ठीक है? अगर नहीं दिया ना तो ऑपरेटिंग साइकिल को 12 महीना मान लेना। क्लोज कर दूं बात को। टू, अब बड़ा बात सुनो, अगर कोई असेट, कोई माने कोई भी नहीं, सुनना पूरा बात, अगर कोई असेट या कोई लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड है, जो तेरे बिजनेस से रिलेटेड है, जो सेल परचेज मैन्युफैक्चरिंग से पैदा होता है, सुने अच्छे से, अगर कोई असेट या लायबिलिटी जो ट्रेडिंग रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल रिलेटेड है, उसके लिए जब आप देखोगे ना कि वो करेंट है या नॉन करेंट है, तो इन दोनों में पहले हायर देख लेना। यहां हायर कौन है? ऑपरेटिंग साइकिल है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से डिसाइड करना ये करेंट है या नॉन करेंट है। याद है कुछ दिन दिलीप और राजेश का बात हुआ था, याद है कि नहीं है? तो अब मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 33 मंथ का है, देख लिए तू। अब एक अकेला बंदा बेचारा राजेश मेरे पास आया और बोला सर उधार चाहिए, और मैं उसको 25 महीना के लिए उधार दे दिया।
यस वो करंट में ही जाएगा, जबकि 12 महीना से ऊपर है वो करंट में ही जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल इज रेलेवेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एन असेट। तो काइंड ऑफ द असेट बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली 12 महीना 33 महीना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा असेट किस काइंड का है वो इंपॉर्टेंट। अभी सेम एग्जांपल देता हूं, देख सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम। हमने राजेश को मशीन बेचा और उसको बोला तुम 19 महीना बाद पैसा दे देना, बोलिए नॉन करेंट। किस लिए बोला? थैंक यू। क्यों नॉन करेंट बोला? इस ये रेलेवेंट ही नहीं है उसके लिए। हेलो, ये वाला पॉइंट रेलेवेंट, हाथ देखे कि नहीं क्या चीज रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि वो बिजनेस से पैदा नहीं हुआ ना, वो तो मशीन का सेल है। तो सारा बच्चा लोग का मेन गलती साला इसी वजह से होता है। अच्छा, पूरा जब पैराग्राफ रीडिंग करोगे ना तो वहां लिखा हुआ नहीं ऐसे करके, लेकिन आपका पैरा जब पढ़ोगे ना तो आपको हिंट लग जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने पढ़ने मना किया, क्योंकि वो रॉन्ग व्यू दिमाग में घुस जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे तो सभी कुछ को, एक एक वर्ड तो हम एक्सप्लेन करते हैं, आपने देखा वो करेंगे भी। सो ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज खाली असेट के लिए नहीं, लायबिलिटी के लिए भी रेलेवेंट है। क्रेडिटर है, गुड्स का क्रेडिटर है, मशीन का क्रेडिटर है, हो ही सकता है ना, ये उसमें भी रेलेवेंट है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेचारे बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल टोटल 24 दिन का है, 24 दिन साल महीना नहीं, फास्ट माल बिकता है रे, दमादम माल बिकता है, 24 दिन का ऑपरेटिंग साइकिल है, हो ही सकता है रॉ मेटेरियल आते ही मशीन में घुस जाता है, 2 दिन में बन जाता है, 3 दिन में बिक जाता है, 4 दिन में कलेक्शन आ जाता है, हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोलो किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 24 दिन का। अब ऑपरेटिंग साइकिल 24 दिन का है, डन। अब कोई राजेश आया, उसको मैंने उधार दिया 72 डेज का, बाकी लोग तो 3 दिन में पैसा देता है, राजेश को बेचारे को प्रॉब्लम थी, उसको मैंने 72 डेज के लिए उधार दिया। हाँ, करंट में 72 डेज कैसे नॉन करंट हो जाएगा रे साला? एक साल तो दुनिया में कोई चीज है? बचपन से एक साल पढ़े हो कि नहीं हमको बताओ? अब तुम बोलोगे ऑपरेटिंग साइकिल से तो एक्सीड, 13 साल ऑपरेटिंग साइकिल तो देख ले चिंदी सा, बोला ऑपरेटिंग साइकिल से एक्सीड कर गया, साइकिल है क्या ये? आप समझे मैं क्या बोला? तो वहां पे फिर एक साल रेलेवेंट हो जाएगा। हम आपको बर्बाद करके कंफ्यूज कर दिए कि आप ठीक ठाक हैं, आप ठीक है ना? तो ये चीज ना ऐसा कंफ्यूजिंग है कि बच्चे लोग बेचारे लोग सेटल ही नहीं कर पाते। तो हमने एक तो ईजी रास्ता बनाया है, ईजी रास्ता है कि अगर बिजनेस रिलेटेड असेट है, ये देख, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, इस तरह का चीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह का चीज है, तो 12 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली करेंट नॉन करेंट डिसाइड करेंगे। हेलो, और अगर वो दूसरा टाइप का असेट लायबिलिटी है जो बिजनेस से कनेक्टेड, माने बिजनेस माने वर्किंग कैपिटल से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे 12 महीना देखेंगे। बाकी जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बड़ा वाला प्रॉब्लम होएगा, मैं आपको बता देता हूं। इसका निचोड़ ये है, हम जो बोले पैरा वही बोल रहा है, बट ईजी करके जो समरी देने का कहानी है वो एग्जैक्टली यही है। और बाकी जो 2 असेट एकदम स्पेसिफिक है उसमें कोई प्रॉब्लम, जैसे बोलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ए करेंट असेट, बिकॉज कैश तो ऑलरेडी रियलाइज है, मेरे हाथ में पड़ा हुआ, अरे बाबा उसमें कब पीरियड पारियड देखोगे बताओ? नहीं समझे? या बोलेगा असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, अगर मान लो मैं कोई असेट खरीदता हूं दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, फॉर एग्जाम्पल शेयर ही खरीदता हूं, अभी जैसे मान लो कल मैंने JSW एनर्जी खरीदा, 1000 शेयर खरीदा मैंने, मेरे को मालूम है मैं परसों बेच दूंगा, मैं रखूंगा ही नहीं 4 दिन से ज्यादा, ट्रेडिंग के लिए मैंने खरीदा है, 380 रुपए में मेरे को मिला है, एक बार ऑलरेडी बेच दिया 430 रुपए में, फिर कल मिला 390 में, फिर लिया है मैंने, मेरे को मालूम है परसों बेचेंगे हम। अब हमको बताइए ये कौन सा असेट है? इट इज एन असेट हेल्ड फॉर ट्रेड, मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मेरा धंधा नहीं है ये,
इट इज एन असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, प्लीज इट इज नॉट एन इन्वेंट्री. इट इज एन असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, प्लीज इट इज नॉट एन इन्वेंट्री माई सन. एक नॉर्मल असेट हेल्ड फॉर, शेयर बाजार में तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग असेट होती है ना बेटा, सारे लोग करते हैं. तो वर्ड ही लिख दिया असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज ए करेंट असेट, उसमें बात ही मत करना, डोंट टॉक. तो दो चीज पे बोला बात ही मत करना, वो स्पेसिफिक है. कौन सा दो चीज मैं बोल दिया, एक असेट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और एक कैश, और बाकी चीज पे बात कर लेना. बात करते वक्त जो मैंने बोला वो कर लेना, काम खत्म हो जाएगा. अभी इसके अंदर जब घुसेंगे तो ब्रह्मांड निकल के बाहर आएगा. हमें इतनी इतनी बातें इंस्टीट्यूट ने कर रखी है ना कि आपको एक 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 चीज को जॉट डाउन करने में वक्त लगेगा. अभी हम लोग हाफ पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक बार बैलेंस शीट बना लें. ओके, देन हम लोग अंदर जब जाएंगे इस सम के बाद या ब्रेक के बाद, तब हम लोग बाकी पढ़ेंगे. चलो अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 8 में जाओगे. करेंट असेट का डेफिनेशन को एकदम धीरे धीरे करके पढ़ोगे. अब देखो ए और सी को जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि कंफ्यूजन होगा ही होगा, और मेरा बात आप सुन लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. बोलिए, ए और सी में कंफ्यूजन है ना. ए में ऊपर में क्या लिखा, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, वही पढ़ रहे हो ना, 8 नंबर पढ़ो क्या लिखा, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट और इंटेंड्स टू सेल द असेट और कंज्यूम इट. वहां तीन असेट का नाम है, एक फिनिश गुड्स है, हेलो, एक डेटर्स है और एक रॉ मटेरियल है. नहीं दिखा, जो इंटेंड्स टू रियलाइज है, एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज, वो डेटर के लिए बोल रहा है, और जो इंटेंड्स टू सेल है वो फिनिश गुड्स के लिए बोल रहा है या स्टॉक इन ट्रेड के लिए बोल रहा है, और जो कंज्यूम इट है वो रॉ मटेरियल के लिए बोल रहा है. तो प्लीज बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक है. तो अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाने वाला है या फिनिश गुड सेल हो जाने वाला है या डेटर का पैसा आ जाने वाला है, तो वो करेंट असेट ही कहलाएगा, भले ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना से ज्यादा ही क्यों ना हो, भले किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 5 साल का ही है. अभी रियल इस्टेट बिजनेस जो है, रियल इस्टेट बिजनेस 4 साल 5 साल का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है. जमीन खरीदना है, सारा चार्जेस क्लियर कराना है, कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद बेचना है, फिर पैसा आएगा, तो वक्त लगता है, 5-5 साल लगता है. तो इसमें आप कैसे बोलेंगे कि एक साल के लिए अगर किसी को उधार दिए हो, डेटर को या क्रेडिटर को, किसी को भी उधार लिए हो, तो वो कैसे मतलब नॉन करेंट हो जाएगा, वो तो करेंट ही रहेगा ना, बिकॉज मेरा साइकिल इतना बड़ा है. क्लियर. और नीचे जो लिखा है, इट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज द असेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, वो नॉर्मली सारी असेट के लिए रैंडम लिखा हुआ है. मैन दैट इज अ पैराग्राफ एप्लीकेबल फॉर ऑल द असेट्स, एंड ऑल द असेट में ऊपर वाली असेट भी आती है. नहीं समझे बात को, ऊपर वाली असेट भी आती है. सर क्यों बोले आप ऐसा, ऊपर वाली असेट में तो ऑपरेटिंग साइकिल ही होना चाहिए. नहीं, नीचे वाले में इट एक्सपेक्ट द असेट, ऑल दी असेट है, और ऊपर वाले में वो साफ साफ लिखा हुआ है डेटर स्टॉक और रॉ मटेरियल्स. इसीलिए मैं विचेवर इज हायर बोल दिया, काम ही खत्म, कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म. क्लियर है. मतलब कभी भी किसी भी असेट को, बच्चों बोर्ड पे, कभी भी किसी भी असेट को, आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना ही दिन का क्यों ना हो,
अगर वो ढाई महीना में कलेक्ट हो रहा है, हाँ उसको नॉन करेंट मत बोलना, वो हमेशा करेंट ही रहेगा, चाहे तेरी साइकिल 20 दिन की हो चाहे 4 साल की हो। क्लियर हो गया? चलो आगे पढ़ो। हाँ बोलो। हाँ ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है, ये भी देखिए और कितना सरप्राइजिंग बात है। देखो इधर देखो, ये क्या पूछना चाहती है, आई कैन रीड। हाँ मैंने बोलने भी नहीं दिया बेचारी बच्ची को, बट हमको मालूम है उसका टेंशन कहां पे है। और सुनिए अच्छे से, देखिए ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ये WIP, ये फिनिश गुड्स, ये डेटर्स। मान लीजिए एक साल थोड़ा कम कर देते हैं, 9 महीना साइकिल है मेरा, इतना सब मिला के 36 मंथ का साइकिल हो गया। अब बच्चों की क्या प्रॉब्लम है बेचारों की, कि वो अब देखेंगे कि डेटर तो 9 महीना था तो 9 महीना के हिसाब से देखेंगे। नहीं रे बाबा, ये इंपॉर्टेंट, ये बेकार है, ये इसका काम था इसको निकालना। तो सर ये है क्या? अरे नॉर्मली मेरे डेटर मेरे को 9 महीना में पैसा देते हैं, मैं बेचता हूं ना तो ऑन एन एवरेज 9 महीना में मेरे पास पैसा आ जाता है। नॉर्मली मेरा फिनिश गुड्स 9 महीना में बिक जाता है। नॉर्मली मेरे को प्रोडक्शन करने में 9 महीना का वक्त लगता है। नॉर्मली मेरा रॉ मटेरियल गोडाउन में स्टोर्स में 9 महीना तक रहता है, फिर वो प्रोसेस में घुस जाता है। ये वो है। तो सर ये क्या है? ये टोटल है। तो सर ये ऑपरेटिंग साइकिल है आपका? हाँ यही है। तो सर राजेश नाम का एक डेटर है, वो मेरे से उधार लेके गया 23 महीना का। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, आपका तो ये 9 महीना है। अरे ये एवरेज है, ये एक इंडिविजुअल डेटर है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये करेंट है कि नॉन करेंट है, नहीं समझे? अब ये बेकार है मेरे लिए, इसको नहीं देखेंगे। अब ये करेंट है कि नॉन करेंट है, इसका जजमेंट यहां से होगा, यहां से नहीं। Did you get the point? अब आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। ओके हाँ देखिए, आपका ऑपरेटिंग प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद आपने माल बेचा, आपको लगता है कि फिनिश गुड्स बनते ही ऑपरेटिंग प्रोसेस खत्म हुआ। हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ऑपरेटिंग प्रोसेस अभी चालू है। अभी फिनिश गुड्स बिकेगा वो भी मेरा ऑपरेटिंग प्रोसेस ही है, अभी उसका पैसा आएगा वो भी मेरा ऑपरेटिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट ओनली द ऑपरेटिंग प्रोसेस। तो ये टोटल मेरा ऑपरेटिंग प्रोसेस है, और आज के बाद आप इसको मत देखिएगा दोबारा। ये 36 महीना जब निकल गया तो नौ को देखने की जरूरत नहीं है, आज से इसको देखिएगा। इज इट डन? पूरा और तो डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बी देखो, एन एसेट विच इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, उसमें देखिए पीरियड का जिक्र नहीं है। इफ एसेट इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डोंट सी द पीरियड, पीरियड नॉनसेंस है वहां पे। नीचे देखिए, इफ एन एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसके बगल में 2-3 लाइनें हैं उसको देखो। हां, अगर रेस्ट्रिक्टेड है, और रेस्ट्रिक्टेड में भी वहां साफ लिखा देखो 12 महीना। 1 मिनट ना, ये कुछ हड़बड़ी करके आया है। क्यों लो, की होच्छे लिपिंग माने की वो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा? हाँ रिकॉर्डिंग में होगा। 1 मिनट रुको गया। डन।
अच्छा तुम बोलेगा तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है तुम जा। बेचारा परेशान हो गया। देखिए हेलो, हैं बोलो। हाँ ठीक है, कोनो असुविधा नहीं, ठीक है हमें अनेक बार बोले देव। सुनिए, तो मैं आपको बोला कि पीरियड का जो जिक्र होगा वो खाली ए और सी में ही होगा, बी और डी नेचर ऑफ द असेट से डिसाइड हो रहा है। लेकिन डी में भी देखो, अगर कैश है और मेरा कैश इनकम टैक्स वाला लोग सीज करके चला गया है, होता ना सच सीजर होता है तो वो लोग सीज करके चला जाता है, और अब उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कोर्ट ने कि ये 25 महीना बाद ही रिलीज होगा, तो डिस्पाइट इट इज कैश बट कैन आई यूज इट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जल्दी बोलिए। तो क्योंकि मेरा रेस्ट्रिक्शन 12 महीना से ज्यादा का है, हमको उसको नॉन करेंट असेट में डालना पड़ेगा, डिस्पाइट इट इज कैश इन हैंड, डिस्पाइट इट इज कैश एट बैंक। डन, ड्रॉप कर दीजिए, अभी सिर्फ इतना ही पढ़िए, रोमन 2 पढ़ के रुक जाइए। रोमन 2 इज अबाउट करेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन। ए सेम, बी सेम, सी सेम, हाँ सिर्फ डी पे फोकस करना है। बहुत बहुत पढ़ेंगे, बहुत है, सारा ऑप्शन ट्रेडिंग में लायबिलिटी तो होती है मेरी, जितनी मैं ऑप्शन सेल करता हूं ना, दे आर ऑल लायबिलिटीज। डी नंबर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लिखा है पढ़ो तो, इट डज नॉट हैव, इट माने एंटिटी या असेट जो भी बोलो, असेट या लाइबिलिटी जिसकी बात हो रही है, इट डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। यहां पे इट एंटिटी को बोला जा रहा है, द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। मेरे पास लायबिलिटी को 12 महीना से ज्यादा के पीरियड के लिए डेफर करने का अगर अनकंडीशनल राइट है तो वो नॉन करेंट असेट है, अगर नहीं है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, अगर नहीं है तो वो करेंट लायबिलिटी है। सर एग्जांपल देके समझाइए, तो मैं एग्जांपल देता हूं, तुमसे मैंने 3 लाख रुपया लिया, मेरे को जरूरत थी, मैंने फोन किया, मैंने बोला बच्चे 3 लाख रुपया चाहिए, तुमने दे दिया, मैं बोला कब देना है, रिटर्न कब देना है, तुमने बोला जब आपका मन करे तब, क्वेश्चन कंप्लीट। डू आई हैव अनकंडीशनल राइट टू, कैसे नहीं, आराम से सोचिए, डू आई हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स, बोली हाँ या ना, उसका 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 बात क्या था, मेरा लिखा हुआ क्या है एग्रीमेंट में, जब नहीं, जब वो मांगे, तुम सुना ही नहीं ठीक से, मैंने बोला जब वो मांगे तब दे देना, उसने बोला जब मन करे मेरा तब दे देना, इसी का दूसरा क्वेश्चन हम पूछने वाले थे, तुम साला आंसर ही दे दिया,
अगर वो बोलती जब हम मांगे तब दे देना, तब क्या होगा? आई डोंट हैव एनी राइट, अनकंडीशनल कंडीशनल गोली मारो, राइट नहीं है मेरे पास कुछ भी। वो जब मांगेगी तब मेरे को चुकाना पड़ेगा। इन दैट केस इट इज ए करेंट लायबिलिटी। एंड इन पहला वाला केस जहां पे उसने बोला जब आपका मन करे तब दे देना, और लिख के दिए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, पीरियड ऑफ रीपेमेंट, जब सुदर्शन अग्रवाल का मन करे। तो डू आई हैव द अनकंडीशनल राइट टू डिफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स? जल्दी बोलो। इफ द आंसर इज यस, मैटर इज ओवर। ओके, सो एक बार के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा, एक बार मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया पूरा। यस नो? हमने फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल एसेट लायबिलिटी को समझा, बोलो यस। हमने करेंट नॉन करेंट को समझा, यस। और हमने बैलेंस शीट के आइटम्स का नोट्स में क्या क्या डिटेल देना है उसको भी कंप्लीट किया। अब ये जो 3 दिन का क्लास हुआ ना, ये हम लोगों के आगे 140 दिन की क्लास में काम आएगा, और ये रोज काम आएगा। इसलिए ये वाला 3-4 क्लास पहले करना जरूरी होता है, इसको हम लोग डेफर नहीं कर सकते। ओके, सो बुक निकालिए, 8 को टिक लगा दीजिए प्लीज। हाँ, पेज 38 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, और ये आया हुआ समय एग्जाम का। सम्स के लिए अलग कॉपी रखेंगे? हाँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। ओके ओके, नहीं नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। कुछ भी डिस्टिंक्शन किया हुआ चीज अच्छा है, मैं पहली बार देखा ऐसा, इसलिए सरप्राइज्ड हुआ थोड़ा सा। मैनेज कर पाएंगे हमेशा, क्योंकि ओके नहीं, लिखते वक्त जैसे आपको ध्यान रहेगा हमेशा कि ये सम का है, क्योंकि लिखते वक्त तो कॉपी तो फटाफट लिखना चालू हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ लिए, रेडी है, स्टार्ट करें। सबसे पहला और दूसरा असेट को देखो, पहला और दूसरा असेट को देखो। पहला वाला का नाम, बच्चों बात करो प्लीज, कैश। दूसरा कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस शीट में लिखते वक्त
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। जब नोट्स बनाएंगे तो कैश अलग कैश इक्विवेलेंट अलग लिख के टोटल कर देंगे। क्लियर? थर्ड और फोर्थ आइटम को देखो, वो असेट है ही नहीं, वो असेट नहीं है, वो डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट है, माइनस नहीं किया है प्रॉफिट से। पढ़ो पहला वाला का नाम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर इन दी प्रॉफिट फॉर द ईयर। माने ये डेबिट साइड में दिख रहा है तो इसका मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया होगा, ये प्रॉफिट का हिस्सा एनसीआई को तो मिल गया होगा, पीएल को डेबिट होना चाहिए था, तो पीएल को डेबिट करके घटाने की जगह ऐसे दिखा दिया एसेट साइड में। कॉन्फिडेंट है, क्या करना है बोलो, क्या करना है? पीएल से लेस करना। जाओ पीएल को देखो नीचे, एनसीआई को मत देखो, प्रॉफिट को देखो, एनसीआई में ठीक क्रेडिट हो चुका है, पीएल डेबिट होना बाकी है, असेट साइड में दिखा दिया है उसको, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाई दिया, माइनस करना है वहां से। ओके, कितना है प्रॉफिट फॉर द ईयर? 1200, उसमें से माइनस करके दिखाना है। तो सर कहां दिखाएंगे? जब रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनेगा अदर इक्विटी का, वहां पे दिखाएंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, अगेन डेबिट साइड में, एसेट है या सरप्लस माइनस होगा? सरप्लस माइनस होगा, असेट थोड़ी हो सकता है यार, पेमेंट कर दिए हम। नेक्स्ट क्या है ये? डेटर्स है ना, डेटर्स है, नीचे खोजो, इसका एक भाई है नीचे लाइबिलिटी साइड में। नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रेड पेएबल तो अलग चीज है, वो भी भाई है, बट मतलब इससे कनेक्टेड है कुछ। देखो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, क्या सीखे हम लोग अभी तो शेड्यूल 3 पढ़ रहे थे, नेट ऑफ करके दिखाएंगे। ये तो खैर सिक्योर्ड गुड अनसिक्योर्ड गुड वो सब नहीं दिया हुआ है, क्योंकि पहला दूसरा क्लास है, नहीं तो याद है कितना कितना चीज पढ़े हैं, एजिंग शेड्यूल एवरीथिंग हम लोग को करना पड़ेगा। आगे दो इन्वेंट्री है देखो, एक इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एक इन्वेंट्री एट एनआरवी। इन्वेंट्री एट कॉस्ट, इन्वेंट्री एट एनआरवी, माने नीचे वाली जो इन्वेंट्री है ना बेटा, नीचे वाली उसमें कॉस्ट बड़ा है, एनआरवी छोटा है, ऊपर वाली जो इन्वेंट्री है ना, जवाब दो, उसमें कॉस्ट छोटा है एनआरवी बड़ा है, तो अपन तो लोअर पे वैल्यू करते हैं ना, दोनों ही अपना इन्वेंट्री है। प्लीज ये मत समझना ऊपर वाला उसी इन्वेंट्री का कॉस्ट है और नीचे वाला उसी इन्वेंट्री का एनआरवी है, ऐसा मत समझ लेना, दोनों इन्वेंट्री है, दोनों हमारी इन्वेंट्री है, एक को एट कॉस्ट पे मेजर किया, एक को एनआरवी पे मेजर किया। तो तुम बोलोगे क्यों मेजर किया? क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर होता है, से देयर इज इन्वेंट्री ए इन्वेंट्री बी, इन्वेंट्री ए इज मेजर्ड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री बी इज मेजर्ड एट एनआरवी फॉर द सेम रीजन, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। नेक्स्ट, तो इस तरह का देखो सीए फाइनल में क्वेश्चन आएगा, इस तरह से वो लोग घुमाने का कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिंपल है, अब तो हम लोग जानने भी लग गए इसके बारे में। नेक्स्ट, एट कॉस्ट लिखा है, डिप्रिसिएशन वगैरह लेस होगा, बोली हां, जाओ इसका भाई को नीचे खोजो, मिला तो उसको हम लोगों को लेस करके दिखाना पड़ेगा। और ये लेस हम लोग कहां कर पाएंगे? नोट्स ऑन अकाउंट्स में, हर चीज का नोट्स ऑन अकाउंट्स बनेगा। नेक्स्ट, लाइबिलिटी साइड चलो, लॉन्ग टर्म डेट, नीचे क्या लिखा? नहीं नीचे नहीं, बगल में 500 करोड़ रुपया ड्यू ऑन 1st January ईच ईयर, करेंट और नॉन करेंट का बाइफर्केशन है ना, पर इसको बोरोइंग में ही दिखाना है, 500 को भी बोरोइंग में दिखाना है और 2800 को भी बोरोइंग में दिखाना है। एक बार अमाउंट समझो, अमाउंट समझो, टोटल 3300 है ना, 500 भी बोरोइंग में आएगा, 2800 भी बोरोइंग में आएगा, एक नॉन करेंट में आएगा,
एक करंट में आएगा। ओके नेक्स्ट पढ़ो। कहाँ दिखाना है? करंट में। बट ऑल दीज आर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। हेलो बच्चों, ऑल दीज आर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, इसका तो अलग से जगह है। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग एट द बिगिनिंग और प्रॉफिट फॉर द ईयर, दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ता है, आपको मालूम ही है। एक पुराना प्रॉफिट, एक नया प्रॉफिट है। और ऊपर का जो दो आइटम, डिविडेंड और वो, उसको लेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, एनसीआई का आंसर दिया हुआ, कहां लिखना आपको मालूम ही है। नेक्स्ट, इसका बात हो गया ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी और प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी। नीचे फाइनेंशियल लायबिलिटी है, करेंट में आएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है पर ट्रेड पेएबल में नहीं आएगा, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगा। हेलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पेमेंट करना बाकी है, सर्विस ले चुके हैं, यही तो स्टोरी है। नेक्स्ट, प्रोविजन है, प्रोविजन को ये लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखाने से मना किया, आपको कल बात भी किए थे हम, क्योंकि एस्टिमेट इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो लोग बोलता नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट अनसर्टेन है, रुपया कैश में ही देंगे पर क्योंकि अमाउंट अनसर्टेन है तो ये लोग बोलता नहीं प्रोविजन को हमेशा अलग से दिखाओ। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं अलग से दिखाना, करेंट है कि नॉन करेंट है ये बताओ। हाँ, तो वो विद इन हो गया, मतलब करेंट। यस, नेक्स्ट बोलो। नॉन करेंट है, 2026 में पेमेंट होगा। नेक्स्ट, लीव सैलरी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीव, करेंट। गुड, तो करेंट में दो प्रोविजन आया ना, एक करेंट में दो प्रोविजन आया ना, कौन सा बता तो, ऐड करके बताना दोनों को। एक 600 है और एक 35 है, 635। इसको प्रोविजन करेंट में दिखाओगे, और ऊपर वाला जो था 765 प्रोविजन है वो भी, लेकिन वो नॉन करेंट में आएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड पेएबल, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये भी करेंट में आएगा। कौन सा 90 लेस होगा? कुछ लेस नहीं होगा, इसमें से थोड़ी पे हो गया है, ये अनपेड पड़ा हुआ है, पढ़ो ठीक से। वो जो डिक्लेयर्ड एंड पेड है दैट इज ए सेपरेट थिंग, और ये जो 100 एंड कितना देख रहे हो, ऊपर जो 90 है वो तो प्रॉफिट से लेस होने वाला चीज है, और नीचे जो 150 है वो प्योर लायबिलिटी है, वो अभी भी अनपेड है। ये जो 150 है ना, ये करेंट ईयर में डिक्लेयर हुआ है, और वो जो 90 आप देख रहे हो ना, वो हो चुका था डिक्लेयर, पेमेंट भी हो चुका है, बस पीएल से माइनस नहीं किया है। नीचे पढ़ो क्या मांगा है, करंट नॉन करंट का ढंग से क्लासिफिकेशन करो, शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ, और 2 साल का बनाने बोला है, करंट ईयर प्रीसीडिंग ईयर, और ना कोई झमेला नहीं है, दोनों साल में डेटा एकदम सिमिलर है। तो चलो फॉर्मेट बना दो एक बार ढंग से,
स्टार्ट करें बच्चों सम, ये एग्जाम में आने लायक सम है, 10 मार्क्स का मैक्सिमम। सो पहला सम हम लोग प्रैक्टिकल बना रहे हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज से लेकर के बना रहे हैं, अपने बुक में एक्सरसाइज में है ये। कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे बताइए, क्या सिखाए थे, मतलब फॉर्मेट तो देखे थे ना, कितना बार तो फॉर्मेट नजर से गुजरा था। हाँ, पहले लिखिए असेट्स, ओके। फिर आप ऐसे वन लिखिए, यहां लिखिए नॉन करेंट असेट्स, वन ए और रोमन वन, ये अपना क्रोनोलॉजी रहेगा, मतलब वन उसके अंदर में ए, उसके अंदर में रोमन वन, अगर जरूरत पड़ा तो, उसके और अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। चलो बताओ, इसके 7 आइटम याद होंगे अब तो, ये तो आपको सॉलिड याद है, 7 आइटम का नाम में से अपने क्वेश्चन में कौन कौन है, पीपी है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बस, थैंक यू। चलो जस्ट टाइम पास करते हैं, क्या क्या 5 आइटम नहीं है, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल असेट। कभी भी इस तरह से बच्चों को याद नहीं होता है, अपन पहला दिन से साला फोकस यहीं पे किए कि अपन को ये याद करना है, एंड सी द डिफरेंस कि फोकस अगर रहता है हम लोग याद कर पाएंगे। चलो दोनों का नाम ए और बी करके लिख दो, ओके। इसका नोट बनेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ बताने को है, इसका नोट नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास नोट में भी यही लिखने के लिए है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इसका हम लोग नोट नहीं बनाएंगे। इफ वी हैव नथिंग टू राइट, इवन इफ वी हैव वन वर्ड टू राइट, हम लोग नोट बनाएंगे, ओके। बोलो इसका फाइनल आंसर बोलो, फिर नोट में अभी दिखा रहे हैं, नहीं वो माइनस करके, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है ना, उसको माइनस करके 3। राइट हैंड साइड वाला भी बता दो, एंड देन डोंट वरी, आराम से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताओ, होता है वो भी कॉस्ट मॉडल पे ही मेजर होता है, उसका डिटेल हम लोगों को नहीं पता है कि कितना है क्या है, नहीं तो इस ये पूरा कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल याद है इंटर में पढ़ते थे आप लोग, ये पूरा कॉस्ट मॉडल, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चा, सब लोग ध्यान दीजिए, आप लोग भी पूछिए, क्योंकि अपन कोई इंडेक्स पढ़े नहीं है, तो जो भी चीज आप देखोगे ना आपके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज होगा, तो पूछ लिया कीजिए। बच्चे ने पूछा क्या इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, जी बिल्कुल होता है, कॉस्ट मॉडल पे ही मेजर होता है ये, तो सर इस क्वेश्चन में नहीं किया, अरे ये बिगिनर वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बना रहे हो, जब आखिरी तक पहुंचोगे तब देखो बवाल, ये थोड़ी सी ये फाइनल है, ये शुरुआत है कि हाँ ठीक है ABCD सीख रहे हो, बट क्वेश्चन बहुत वैलिड था, आंसर मैंने दे दिया, आप कॉन्फिडेंट हैं। चलो नोट नंबर 1 बनाओ, 2 पेज छोड़ के, ये 1 पेज और 1 पेज बैलेंस शीट में लग जाएगा, इस सब में भले नहीं लगे बट बड़े सम्स में लग जाता है, 2 पेज छोड़ दीजिए, 3rd पेज में बनाइए नोट्स ऑन अकाउंट्स, अपने एक काम कर सकते हैं कि ऐसे टेबल टाइप का इसको बना लेंगे, सभी में तो ये वाला डेट चाहिएगा मेरे को, हर नोट में चाहिएगा,
तो बार बार ये दोनों डेट लिखेंगे नहीं, ये एक बार लिखेंगे, सब नोट में यूज करेंगे। तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा कि नहीं लिखेंगे और यूज हो जाएगा? ये देख कैसे पॉसिबल होता है, यहां डेट लिख दिए, नोट यहां से चालू करोगे, यहां से नहीं, यहां से, ये डेट ऊपर हो गया, अब ये सब में रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे नोट नंबर वन, ये यहां लिख दिए नोट नंबर, अब ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रेडी, ये अब ये डेट समझो तुम सेकेंड नोट थर्ड नोट सब में रेलेवेंट हो जाएगा ना, ऐसे करके बनाना, टाइम बचता है बहुत। बोलो अपने पास क्या क्या डिटेल देने के लिए है, ओरिजिनल कॉस्ट है देने के लिए, लिखो यहां पे ऐसे ओरिजिनल कॉस्ट, और यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये फाइनल आंसर जो हमारे बैलेंस शीट से मैच करना चाहिए। क्लियर है? तो ये फंडा अगर आप फॉलो करोगे ना नोट्स बनाने के लिए, तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, नहीं तो बार बार आपको हर नोट में ये डेट और ईयर लिखना पड़ेगा। और यहां पे रुपीज इन क्रोर एक बार के लिए लिख दो बस, वापस से बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चले जाओ। अच्छा, बीच बीच में बैलेंस शीट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधे लास्ट में एक साथ में ऐड कर देंगे। बोलो, नॉन करेंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रियल असेट खत्म हो गया, अब फिनेंशियल असेट स्टार्ट होगा, होगा ना? एक एक करके बताओ, फिनेंशियल असेट नॉन करेंट नेचर का क्या क्या है? नहीं, अच्छा तुम वहां से बोल रहे हो शेड्यूल थ्री से, नहीं अपने क्वेश्चन में क्या क्या है? थैंक यू। देखो उस बच्चे ने बोला ट्रेड रिसीवेबल, लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ भी हो सकता है ना। यहां अपने पास क्या क्या है जो देख के लग रहा है कि 12 महीना से ज्यादा पीरियड में कलेक्ट होने वाला है? डेटर्स है, एक बच्चा बोल रहा है डेटर्स का, देखो कुछ कलेक्शन का कुछ दिया है क्या, कितने महीने बाद, कुछ कहानी है क्या? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीना लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में, ऐसे भी 12 महीना एक तो स्टैंडर्ड रूल है और एक 12 महीना का साइकिल भी लिखा हुआ है। तो डेटर, वो बच्चा बोल रहा है कि डेटर क्वेश्चन पेपर में तो है, लेकिन वो 12 महीना के बियॉन्ड कलेक्ट होने वाला है कि पहले कलेक्ट होने वाला है, उसका क्या डिटेल है? कुछ नहीं दिया है, तो नॉर्मली हम लोग उसको क्या मानेंगे? करंट मानेंगे, तो ड्रॉप कर दो, खत्म हो गया बात, और कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो। अब लिखो नंबर टू, बोलिए करेंट असेट्स का नाम लिखा, ए लिखा, सबसे पहले कौन आता है? इन्वेंटरीज। ये अनुपम नीचे आओ ना, एक बार एसी बंद करो। इन्वेंटरीज में दो इन्वेंटरी है, ऐड करके बताओ, 1680
1780। अब क्योंकि दो इन्वेंट्री को हमने अपने हाथ से ऐड किया है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को एक नोट बनाना चाहिए और कम से कम उतना तो लिख के आए जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। वैसे जब हम लोग इन्वेंट्री पढ़ रहे थे, हेलो मेरी तरफ देखो, वैसे जब हम लोग इन्वेंट्री पढ़ रहे थे तो वो बताया था रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, सबका डिटेल देना है, इन ट्रांजिट कितना माल है उसका डिटेल देना है, यू रिमेंबर दैट? तो वो सब होता तो हम वो सब भी देते। हमने शेड्यूल 3 पढ़ा है दो दिन तक बैठ के, हमने नोट्स ऑन अकाउंट्स पढ़ा है, हमने पेज नंबर 4 से लेकर 23 तक पढ़ा है और हम अभी भी पढ़ेंगे 3-4 दिन। उसको पूरा याद रखना हम लोगों को, वो आने वाले 130 दिन काम आएगा। बट क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें? जितना है हम बता रहे हैं, जो नहीं है हम नहीं बताएंगे। चल ये सब आप आंसर देंगे, हम आपका बोला हुआ कॉपी करेंगे। ऐसे जब भी बोलना ऐसे बोलना, ऐसे कौन सा बंद किया रे? हाँ ठीक करे चो, ठंडा चालू हो गया है। ऐसे भी सितंबर मिडल हो गया ना और बारिश भी हो रही है। इसको लिख दिया क्या वहां पे? ये टोटल मैच कर रहा अपना वहां पर? गुड। बी बोलिए क्या क्या फाइनेंशियल असेट है हमारे पास? ट्रेड रिसीवेबल पक्का लिखेंगे, और बताओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे, और कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और वो जो है वो तो पीएल डेबिट है, दे आर ऑल पीएल डेबिट, उन्होंने ढंग से माइनस नहीं किया था। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो बी है रोमन वन इज ट्रेड रिसीवेबल, नोट नंबर 3, एंड रोमन 2 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस नंबर 4। आंसर दीजिए, आंसर अभी दे दीजिए, नोट्स बना लेंगे। बोलो प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करके 2100 हमको रॉन्ग लग रहा है, नहीं राइट है। नेक्स्ट देखो रॉन्ग लग रहा है, 1585 नहीं है, 1735 1735 एक बार चेक करो रे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताओ 320 और 200, इसका नोट्स बना लो।
हम वेट करेंगे, जब तक आप नहीं बोलोगे हम लिखेंगे नहीं। टू थ्री जीरो जीरो वन एट जीरो जीरो टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव ट्वेंटी वन हंड्रेड वन सेवन थ्री फाइव। सर एक बात बताइए, हाँ इसको लिखना रोक दीजिए एक बार। एक बात बताइए, क्या हम जब ट्रेड रिसीवेबल पढ़ रहे थे हम लोग ये पढ़े थे या इससे बहुत ज्यादा पढ़े थे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब एक एक नोट बनाने में दो दो घंटा लग जाए, इतने बड़े बड़े नोट्स हैं। तो आप भी समझो कि सारा नोट्स के साथ एक बड़ा क्वेश्चन देना पॉसिबल है ही नहीं। इतना सारा डिटेल कहां से? 70 पेज की बैलेंस शीट होती है कंपनियों की, बैलेंस शीट पीएल कैश फ्लो नोट्स मिला लो 70 पेज का होता है। 70 पेज हम लोग लिखे हैं क्या एग्जाम में? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कोई एक दो तीन नोट बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट देगा, बाकी सब इसी तरह से घटिया घटिया देगा। आपको सीखना सब पड़ेगा लेकिन एग्जाम में आएगा हमको जीरो चांस लगता है, क्योंकि बड़ा बड़ा बात पूछने के लिए उनके पास है ना यार। फॉर्मेट पूछ के क्या करेगा? फॉर्मेट तो ऐसे भी बच्चे जब सीए बन जाएंगे तो खुद ही देख के कर देंगे, बट नॉलेज तो रखना पड़ेगा। बाय चांस एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया खाली डेटर के ऊपर, वो तो आ ही सकता है ना, ले बता एजिंग शेड्यूल करके दे, अलग 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 एज लिख दिया, ये इतना दिन में कलेक्ट होगा, इतना दिन में, इतना दिन में, इतना दिन में, ऐसे करके बना दिया लंबा सा। अब डिवाइड करके दो 5 क्लास में, 5 क्लास था कि 4 था? लेटर में 5 था ना, 0 to 6, 6 to 12, 1 to 2, 2 to 3, हाँ मोर देन 3, हाँ, और टोटल भी बनाना पड़ता है। तो वैसा क्लासिफिकेशन तो दे सकता है ना यार। अब अगर किसी को मालूम ही नहीं कि 5 ठो नया चीज आया है कि 5 साल में उसको 5 पीरियड में क्लासिफाई करना है, अब वो अपने मन से 4 में कर दिया, 3 में कर दिया, कुछ भी कर दिया। सबसे पहले क्या था मालूम, जब हम लोग पढ़ना चालू किए थे सीए में, जब हम लोग घुसे थे तो इतना था, मोर देन 6 मंथ अदर्स, बस। नहीं समझे? मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स, बस दो ही क्लासिफिकेशन था, और वो भी खाली डेटर में ही था। अच्छा तुम लोग भी यही पढ़ के आए हो क्या इंटर में? ओके हाँ, तो अभी जो चेंज किया ना, ये तो बताया ना अभी आया है, ये जो एजिंग शेड्यूल है अभी नया आया है। चलो बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। बोली, एक का नाम कैश है और एक का नाम कैश इक्विवेलेंस है। एक बार याद करने के लिए, कैश इक्विवेलेंट का 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, 4 नाम बताओ। कैश इक्विवेलेंट बनने के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना उसके अंदर, एक टाइम वाला, एक रिस्क वाला, हाँ, और 4 नाम बताओ। पहले वो बताओ, हाँ, डिग्री ऑफ रिस्क ऑलमोस्ट जीरो, जीरो कभी होता नहीं दुनिया में, तो इट्स ऑलमोस्ट जीरो बोलने का है। ऑलमोस्ट जीरो भी मत बोलो, एग्जाम में क्या लिखना मालूम, इनसिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ रिस्क, प्रॉपर वर्ड ये है। अब हम जीरो क्यों बोले, अभी चल रहा है क्लास, कैश फ्लो जब आएगा तो हम इनसिग्निफिकेंट बोल देंगे, नहीं समझे? और लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। ओके, 4 नाम बताओ, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, एडवांसेस ही लोन्स है, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये तो 3 हुआ, चौथा बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस था चौथा। आगे ये आप बताओगे मेरे को, 250 एंड 170, थैंक यू, गुड गुड।
रेडी, शेयर कैपिटल के सामने का अमाउंट बताओ। 1130। जानते हो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आजकल बोरोइंग होता है। कल पढ़ाए थे क्यों होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आजकल बोरोइंग, पूरा पूरा लाइबिलिटी कंपोनेंट नहीं, पूरा लाइबिलिटी ही है वो पूरा। फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दोगे, बोलो हाँ या ना, दोगे कि नहीं फिक्स्ड रेट पे, और प्रिंसिपल को रिडीम भी करना पड़ता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इंडिया में, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूं, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, मैं रियल बैलेंस शीट का बात बोल रहा हूं। तो यहां पे ना इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना इज बेटर, भले क्वेश्चन पेपर में शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, पर कम से कम जब यहां बनाए ना, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां आ ही नहीं सकता। ओके, तो मैं यहां ई वर्ड ऐड कर देता हूं। 1130 बगल वाला आंसर बता दो। 1150. अदर इक्विटी में चार आइटम प्लस माइनस करके बताओ। चार क्यों बोला, दो क्रेडिट साइड में है ओपनिंग पी एंड एल करेंट ईयर प्रॉफिट, और दो जो हम लोग प्रॉफिट को डिडक्ट किए थे लेकिन डिडक्ट नहीं करके असेट साइड में दिखा दिए थे, उन दोनों को माइनस करके बताओ। सो टू आइटम्स प्लस और टू आइटम्स माइनस करके मेरे को फाइनल आंसर चाहिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का एक ही आंसर है, जो आंसर है वही वाला दे दो। अब आप ये समझो कि इधर देखो, मैंने ये नोट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नोट बना रहे हैं क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए चार इंफॉर्मेशन है। चलिए मेरा बोर्ड देखिएगा फिर लिखिएगा। वेट संपूर्ण, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट ये लिख लो उसके बाद आई एम टॉकिंग। बच्चों यहां पे बिना ऐसे ब्रैकेट दे दो, ये देखो हाँ, कोई बात नहीं संपूर्ण, आई एम एक्सप्लेनिंग, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, हेलो, ये कंप्लीट है। एक बच्ची का एक क्वेश्चन आया अभी, मैं जरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। बच्ची ने बोला सर एनसीआई दो जगह पे लिखा हुआ, नीचे भी और ऊपर भी, क्या मतलब है दोनों का?
ऊपर में देखो एनसीआई नहीं लिखा हुआ है, नीचे में एनसीआई लिखा हुआ है, ऊपर में वर्ड ध्यान दो, वर्ड क्या है, एनसीआई का शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर हम एग्जाम्पल वाइज बोले, ऊपर ऊपर पे फोकस करोगे अभी, हाँ अगर हम एग्जाम्पल वाइज बोले ना, ये वाला एग्जाम्पल हम दिए थे आपको, ये फिगर है ऊपर जो देख रहे हो, बोलो हाँ यही 60 का फिगर है, नहीं क्लियर है कि नहीं हमको बताओ, ये फिगर है शेयर ऑफ एनसीआई फॉर द ईयर, ये दिया हुआ है आप जो डेबिट साइड में देख रहे हो ना, ट्रायल के एसेट साइड में ये वाला दिया हुआ है। अब अगर ये वाला डेबिट साइड में दिया हुआ है तो ऑब्वियस है ना, फिर क्रेडिट साइड में ये वाला दिया हुआ होगा, हम लोगों को लेस करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो फिर सर वो नीचे में एनसीआई क्या है, वो उसका टोटल वैल्यू है जो हम लोग अदर इक्विटी में लिखेंगे, अदर इक्विटी के नीचे, सर वो आता कैसे है, वो उनका स्टेक का वैल्यू है, उसका पूरा तरीका है निकालने का, आपको मालूम है शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा रहता है, रिजर्व सरप्लस में माइनॉरिटी का हिस्सा रहता है, जैसे आपका इसके अंदर हिस्सा था ना 20%, तो इसकी कैपिटल का भी 20% है, इसकी पुरानी प्रॉफिट का भी 20% है, और इसकी नई प्रॉफिट का भी 20% है। बोलिए हाँ, वो सब मिला के 830 है, 830 को देखो, वो ठीक से निकाला हुआ है 830। अब तुरंत बच्चे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सर पुराना तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, नया वाला प्रॉफिट एडेड है आपको कैसे पता चला, करंट ईयर वाला प्रॉफिट एडेड है आपको कैसे पता चला, क्योंकि डेबिट में एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है। अब तुम इधर देखो, अगर कहीं दुनिया में ऐसा लिखा हुआ है कि एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट, तो क्रेडिट एनसीआई को ही तो करेगा रे बाबा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा, एनसीआई को ही तो मिलेगा, तो वो एनसीआई ऑलरेडी क्रेडिट साइड में है, ये काम वो लोग कर चुका है, ये डेबिट ऐसे छोड़ दिया, ये डेबिट ऐसे छूटना नहीं चाहिए था, ये पीएल से माइनस हो के दिखा देना चाहिए था, वो नहीं दिखाया, वो हम लोग के जिम्मा में छोड़ दिया। आर यू क्लियर नाउ, संपूर्ण ये बताओ आपको समझ में आ गया बच्चे, गुड गुड गुड। अच्छा अब हम लोग लाइबिलिटीज में जा रहे हैं, आपको कमेंट करना है कैसे दिखाते थे फॉर्मेट में, स्टार्ट ही फिनांसियल, याद है मैं बोलता था कि नॉन करेंट असेट में 7 आइटम लिखते हैं फिर फिनांसियल असेट स्टार्ट होता है, करेंट असेट में 1 आइटम लिखते हैं फिर फिनांसियल असेट स्टार्ट होता है, पर लाइबिलिटी में स्टार्ट ही फिनांसियल लाइबिलिटी से होता है, तो आप ऐसे लिखो कि नॉन करेंट लाइबिलिटी ए, फिनेंशियल लाइबिलिटीज ए का रोमन 1 बोरोइंग्स, नोट नंबर 6, क्या लिखा हुआ बोरोइंग्स के लिए, बोलो ना, पढ़ो जाके क्वेश्चन पेपर को, नोट बना रहा हूं 6 नंबर, हाँ एक मिनट रुका, मेरा नोट्स ऑन अकाउंट्स चल रहा है ना, तुम लोग के पास तो पेज में जगह होगा, मेरा पेज खत्म हो गया। सॉरी, ये ले, बोलिए कौन सा वाला बोरोइंग यहां पे आएगा
और कौन सा वाला बोरोइंग करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बोरोइंग्स। यहां 2800 आएगा और 500 नीचे जाएगा, बट देन 2800 हम लोग को क्वेश्चन पेपर में ठीक से नहीं लिखा, हमको 3300 लिखा हुआ है। तो हम इसमें नोट्स कैसा बनाएंगे, देखो हम यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट और यहां पे लिखेंगे करेंट, ये एक वर्ड क्या लिखा हुआ ना, रीपेएबल नेक्स्ट ईयर, हाँ विद इन 12 मंथ्स। हाँ ठीक है रे बाबा, ले दोबारा बोल। हाँ एक ही बात है, ये वर्डिंग आपको लिखना है एग्जैक्टली। ऐसा नोट्स नहीं बनता है, हेलो, नोट्स में तो खाली बोरोइंग का नाम रहता है। रियल शेड्यूल 3 याद करो, बोरोइंग के नाम है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, इंटरेस्ट का रेट दिया जाता है। तो सर हम लोग ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, हम लोग को तो माइनस करके दिखाना पड़ेगा ना यार, वो साला टोटल करके दिया हुआ है। तो मेरा नोट ही मेरा वर्किंग नोट के जैसा भी काम करता है। अब क्योंकि वो साला 3300 दिया हुआ है और हमको 2800 दिखाना है, तो हमको ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बोलो 3885 500, वेरी गुड, 3385। यहां पे बताओ मेरे को क्या लिखना है, देख लो मेरा जगह, आप बताओ 2800। गुड, अब फिनेंशियल लायबिलिटी के अंदर और कुछ है क्या, जैसे ट्रेड पेएबल वगैरह होता है या अदर फिनेंशियल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला, बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल वाला, बियॉन्ड 12 महीना वाला, ऐसा कुछ भी है तो मुझे बताओ, नहीं है ना। अब देखो प्रोविजन लिखने जा रहा हूं मैं, मतलब और कोई फिनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, तुम लोग बोल दिए, लेकिन प्रोविजन तो देखा था मैं है लॉन्ग टर्म वाला, तो उसको एक का टू मत लिखना, उसको बी लिखना। नहीं पहले समझो क्यों बोला ये बात, एक का नाम क्या दिया है बोलो, फिनेंशियल लायबिलिटी, और प्रोविजन को फिनेंशियल लायबिलिटी मानने से मना किया गया है, तो आप अब लिखोगे बी, नॉन करेंट लायबिलिटी का सेकेंड आइटम। आपका तो सेम पेज में हो रहा होगा अभी तक, हाँ ओके, मेरा तो पेज चेंज हो गया। प्रोविजंस नोट नंबर बताओ 7। देखो तो एक ही लॉन्ग टर्म प्रोविजन है कि दो है, लॉन्ग टर्म वाला एक ही अमाउंट बता दो, नोट्स में चले जाओ, नाम बताओ प्रोविजन का नाम, एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन प्रोविजन। दोनों अमाउंट आप बताओगे, उसका टोटल भी वही रहेगा।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मेरे को लगता हो गया, अब सब करेंट लायबिलिटी है और कहीं पे भी मोर देन 12 मंथ की स्टोरी लायबिलिटी साइड में नहीं है, तो अब आप इसको 3 कर दोगे और लिखोगे करेंट लायबिलिटीज। ठीक है बच्चों, बोलो करेंट लायबिलिटीज नहीं फिनेंशियल लायबिलिटी, पहले लिखेंगे फिनेंशियल लायबिलिटी उसके बाद सोचेंगे। तो लायबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स, बच्चों बोलो, नहीं लायबिलिटी ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फिनेंशियल लायबिलिटीज, नॉन करेंट असेट स्टार्ट्स विथ पीपी एंड देन 7 सच आइटम्स एंड देन फिनेंशियल असेट, और ये फिनेंशियल असेट फिनेंशियल लायबिलिटी फाइनल का फोटे मेन चीज है वो। इसका रोमन वन विल ऑलवेज बी बोरोइंग, रोमन टू विल ऑलवेज बी ट्रेड पेएबल, रोमन थ्री विल ऑलवेज बी अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज। ये 3 नाम ऑर्डर में याद रख पाओगे? हेलो, और यही 3 नाम नॉन करेंट लायबिलिटी में भी ऑर्डर में रखोगे। बोलो, नोट नंबर 9। चलिए बोरोइंग बताइए, बोरोइंग माने खाली बोरोइंग, वो वाला 500। सोचो क्यों, कौन सा वाला 500? लॉन्ग टर्म का जो करेंट मैच्योरिटी है ना वो 500, यहां 500 यहां। बोल, कुछ बोलना चाहता है तुम? वो यहां, यहां बोरोइंग इज बोरोइंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इज अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, दैट इज नॉट बोरोइंग। शेड्यूल 3 एकदम क्लियर है इसको लेकर के, इवन दो बैंक बैलेंस शीट में वो बोरोइंग मिला करके है लेकिन तुम्हारी बैलेंस शीट में ऐसे रहेगा। बोलिए, ये वाला बोल रहे हो? इसमें कुछ किए नहीं ना हम लोग, एज इट इज कॉपी किए ना। गुड,
इसके अंदर तीन आइटम है, तीन तो हमको दिखाई दिया था, चार पांच भी हो सकता है, पर तीन हमको दिखा था अच्छा से। एक इंटरेस्ट था, एक डिविडेंड था, दो तो हमको याद है, एक इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट भी कैश में देना होगा। हेलो, क्यों फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इंटरेस्ट कैश देना पड़ता है, डिविडेंड भी कैश में देना होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी कैश में देना होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो तीन तो मेरे को याद है, तीन तो पक्का था, और भी कुछ है तो देख लो। हाँ वही तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तीनों हो गया ना, तीनों को ऐड करके बता दे, बाकी तो नोट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जल्दी, तीनों को ऐड करके फोर। थैंक यू। फाइव फिफ्टी। मैं नोट्स में जा रहा हूं, नोट नंबर आठ है बोरोइंग, बोरोइंग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा यहां पे शॉर्ट टर्म, यहां पे लिखना पड़ेगा करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। मार्केट में स्ट्रेंथ है, गजब स्ट्रेंथ है भाई। बोलिए, ये क्लियर है? ये वर्ड लिखना होगा करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, शेड्यूल थ्री में ये वर्ड है। तो जो जो जिस तरह के वर्ड रहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं वो वर्ड लिखने का, अगर वो है हमारे पास तो, नहीं है तो फिर जो बुक में लिखा वो लिख देते हैं। नाइन, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड, डिविडेंड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वही अक्रूड एक्सपेंसेस। टू सिक्सटी टू नाइनटी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। हाँ, 950, 150, 230, 1530। अच्छा देखिए, थोड़ा इंटर से अलग स्टाइल का बैलेंस शीट नहीं है। इंटर में हम लोगों को ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल नहीं करना पड़ता था, तो उसकी वजह से बहुत इजी हो जाता था। वो बड़ा टास्क है, कहीं भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल में वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का डिस्टिंक्शन ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। चलो, ये हो गया। फाइनेंशियल लायबिलिटी होने के बाद सीधा हम लोग लिखते हैं बी में प्रोविजंस। अच्छा, उसमें अदर करेंट लायबिलिटी आता थोड़ी है, अपने पास थोड़ी और कुछ। नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमको लगता है प्रोविजन छोड़ के और कुछ भी नहीं है, तो सीधा लिख दो प्रोविजंस। दो प्रोविजन हमको दिखाई दिया था, एक बार देखो तो बेटा, एक वारंटी का था 12 महीना वाला और एक लीव सैलरी का था, मिला के एक बार बता दो ना। 635। एक बार ना, एक बार के लिए बैलेंस शीट एक बार देख लो ना, कि ट्रायल बैलेंस को, कि सब लिखना हो गया क्या, तो टोटल करके क्लोज कर देते हैं, फिर नोट्स बना लेंगे।
लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, एनसीआई हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, ट्रेड पेएबल हो गया, हो गया हो गया सब हो गया, मैंने देख लिया सब हो गया, तुम टोटल करो, टोटल मैच कर जाएगा, नहीं मैच करता है तो गलती ढूंढेंगे और क्या। मेरा तो नहीं हुआ, मेरा पहला वाला नहीं हुआ, तुम लोग का हो गया? वन जीरो सेवन नाइन जीरो सेकेंड वाला हो गया, दहिना वाला टेन टू सेवेंटी फाइव, और अपना लास्ट वाला प्रोविजन का वर्किंग बना लो नोट। क्या क्या नाम से था? वारंटी प्रोविजन, छः सौ और अच्छा इधर वाला बोल रहा है, 600 और 35, सॉरी मेरा मैं हाँ हाँ ठीक है। सो पहला बैलेंस शीट हम लोगों ने सीए फाइनल का इंडेस का बनाया, 440 और 25 बोला हमको बच्चा, अच्छा 445, तो ये फिर 470 होगा क्या? सो टेल मी फॉर्मेटिंग वाइज इज इट ओके, जल्दी फॉर्मेटिंग वाइज इट इज ओके, इज इट ओके? और फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल वाइज इट इज ओके, करेंट नॉन करेंट वाइज इट इज ओके, क्योंकि अगले दिन मैंने अगली बार से लगातार ये करते रहना पड़ेगा। ड्रॉप कर दूं आज की क्लास को, खाली करेंट असेट का चार क्राइटेरिया बोलो, करेंट लाइबिलिटी का चार क्राइटेरिया बोलो, तीन कॉमन है, चौथा वाला पर फोकस करके बोलो। करेंट असेट पहला क्राइटेरिया, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाना चाहिए, रियलाइज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, बिक जाए, नहीं समझे? ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाना चाहिए, करेंट असेट का पहला क्राइटेरिया। सोल पर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज द प्रॉपर वर्ड, इतना लंबा नहीं बोल के एक वर्ड बोलिएगा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, एनी असेट दैट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज ए करेंट असेट। 12 महीना, हा विद इन 12, 12 महीना का क्लॉज जब भी आएगा, क्या बोले थे कल, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर आएगा, 12 महीना का क्लॉज पूरी लाइफ में हमेशा फ्रॉम द एंड ऑफ, देखो देखो जाके देखो, देखो बुक को देखो, ये सब चेक किया करो तब ना कॉन्फिडेंस आएगा। अभी तो मैंने बोल दिया, तुमको भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना बेटा, हाँ
हाँ एंड ऑफ द ईयर से देखा जाता है, वो 12 महीना का क्लॉज ही एंड ऑफ द ईयर से देखा जाता है। ओके और बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो तो हमेशा ही मतलब उसको तो क्या तो बोलना है, वो तो करेंट असेट रहेगा ही रहेगा। हो गया क्लियर? और करेंट असेट्स वगैरह में अगर रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, कैश में अगर रेस्ट्रिक्शन है 12 महीना से ज्यादा पीरियड का, तो फिर तो खत्म हो गया ना स्टोरी, क्लोज। लाइबिलिटी बताओ सर, पहला तीनों सेम, क्यों रिपीट करें? पहला तीनों सेम, चौथा वाला नो बोलो, देर इज नो अनकंडीशनल राइट। क्योंकि अगर अनकंडीशनल राइट रहा मेरे पास तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। तो अपन बोलेंगे वी डोंट हैव अनकंडीशनल राइट टू डेफर द पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। एकदम सिंपल है बच्चों, नो स्ट्रेस, एकदम सिंपल है। लेकिन सर क्या ये करेंट लाइबिलिटी का एंड है, करेंट असेट का एंड है? नो, बाप रे बाप, बवाल है सब। याद करिए, एक तो कार्व आउट का डिस्कशन हुआ था, जाइए पलटिए, एक तो कार्व आउट को पलटिए, पलटिए कार्व आउट को, कॉपी में, कॉपी में, बुक में नहीं। पहला क्लास, वहां एक नॉन करेंट करेंट का जिक्र हुआ था। देखिए ब्रीच ऑफ प्रोविजन बोल करके होगा, कुछ भी बोल करके होगा, मुझे मालूम नहीं कि मैंने हेडिंग क्या दिया था, आई डोंट रिमेंबर दैट, चेक। हेडिंग ही ब्रीच ऑफ कंडीशन है, अच्छा पूरा पैरा लिखा हुआ ऐसे करके पढ़ो, उसमें क्या लिखा देख, कितना इंटरेस्टिंग बात है। इफ देयर इज ए, पढ़ो लाउडली, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे पास नहीं है। इफ देयर इज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ अ लोन, जो कि प्रिडोमिनेंटली लॉन्ग टर्म लोन है, हाँ, एंड द लोन बिकम्स रीपेएबल ऑन डिमांड, यस नॉर्मली आप ब्रीच कर दिए, लोन रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया, तो ऑब्वियसली नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी बन जाती है, ये नॉर्मल बात है। ये अभी कुछ लिखाए नहीं है हम, अब पढ़ो। यस, अब आप कार्व आउट सुनोगे, एज पर IFRS ये करेंट लाइबिलिटी हो गया तो हो गया, स्टोरी ओवर। उनके यहां कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हिंदुस्तान में पेपर वर्क हमेशा कंपनियां ढीला रहती है, छोटा मोटा ब्रीच होता ही रहता है हमारे यहां, फिर बैंक से बात करते हैं, बैंक बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, दे दो पेपर हो जाएगा। पढ़िए, लेकिन सुनो, ये रेक्टिफिकेशन एंड नो लॉन्गर रिपेएबल ऑन डिमांड बिफोर द बैलेंस शीट साइनिंग हो जाना चाहिए। पता नहीं हमने वहां लिखाया है कि नहीं, मैं अभी बोल देता हूं सीरियसली, ये एकदम सीरियस बात है कि बिफोर द एंड ऑफ द साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि वहां दो डेट है ना बेटा, और ये बात हम इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में भी बोलेंगे, क्योंकि रेलेवेंट कनेक्टेड है ना उसके साथ, तो वहां भी ये डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। पढ़ो आगे क्या लिखा है, नहीं नहीं वो वाला बात, हाँ यस, ये ब्रैकेट में लिखा है कि ऐसे सिंपल लिखा दिए, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी विल शो द लायबिलिटी एज, हाँ वी विल शो द लोन एज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, ये हम लोगों का, तो ये सारा डिस्कशन अभी होने वाला है, क्योंकि उस वक्त तो कर्व आउट करके पढ़ा दिए थे, अभी जब नॉन करेंट करेंट का डिस्कशन चल रहा है पैरा 8 का, तो वहां आपके बुक में देखो पैरा 8 को जाओ, जाओ पैरा 8 में जाओ, वहां नीचे देखो एक पैरा 9 है, और उसका हेडिंग देखो बड़ा अजीब सा हेडिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, वहां ये सारा बातचीत लिखा हुआ है जो हम कल करने वाले हैं, नहीं समझे? ये पढ़ोगे ना तब आपको पूरा क्लियर होगा, ओके सिर्फ वो चार चार पॉइंट पढ़ लेने से काम नहीं होगा, हमको बहुत सारा चीज और पढ़ना है, दोज थिंग्स आर रिटन देयर। ओके सो कंफर्टेबल है बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग को लेकर के? आज ऐसे देख के लग रहा है कि बहुत कम चीज पढ़े, क्योंकि एक सम बनाने जब लग जाते हैं ना तो लगता कुछ किए ही नहीं, बट देन
सम बनाना भी तो इंपॉर्टेंट है। चलो कल मिलते हैं, कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ जितना कॉपी में नोट्स है उसको एक बार रिवाइज करके आओगे, कल मिलते हैं। अच्छा कल का क्लास ना हम थोड़ा सा देर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल ना पूजा है घर में, वो हमारे मारवाड़ियों में होता है अमावस्या का पूजा होता है, वो दादी का, रानी सती दादी का, तो कल पूजा है, तो कल क्लास आई विल स्टार्ट एट अराउंड 7:30 to 7:45 के बीच में, 6:30 के अराउंड पूजा करेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कल आप 7:45 मान के चलो, छोड़ देंगे नॉर्मल टाइम पे, नहीं नहीं 9:45 पे छोड़ देंगे। चलो कल मिलते हैं, बोलना। कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा करंट में ही लेंगे, माने डेटर बाय बर्थ इज करंट, इट कैन बी नॉन करंट इफ दोज कंडीशंस हैपन। नहीं नहीं एनआरवी यूज करते ना, एनआरवी वी ओनली यूज इन स्टॉक, बोलो। एनआरवी पे, हाँ ओके रुको रुको, गुड गुड गुड, सुनिए सर बच्चे का क्वेश्चन सुनिए, आइए आइए मैं समझाता हूं, ये है ना, ये था ना रे, ये है ना, देखिए ये बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस तरह का कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत होगा, हमसे पूछिएगा, और एक का कंफ्यूजन ना बहुत जन का कंफ्यूजन दूर करता है, तो वो सब टाइम पे सुनिएगा चीज को। ये बच्चा बोल रहा है सर हमको क्या लगाना, ये और ये दोनों सेम चीज है, एक कॉस्ट दिया है एक एनआरवी दिया है, और हमको दोनों में से विचेवर इज लोअर लेना है और फिर सम बनाना है। इसका तीन चार बात बोलेंगे कि तुम गलत कैसे है, फिर तुमको पता चल जाएगा, ओके ओके डन, ठीक है। पहला बात, इसको टोटल किया गया है और ये मैच हुआ है, इसको टोटल किया गया है और ये मैच हुआ है, मतलब वैल्यू कर दिया गया है, बैलेंस शीट बन गया है, P&L बन गया है, खाली फॉर्मेटिंग करना है हम लोगों को। दूसरी बात, ये दोनों चीजें P&L के क्रेडिट साइड में आती है, इन्वेंट्री स्टॉक है तो PL में आएगा ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी निकाल के बनाया गया है, रुक रुक आराम टाइम, मेरा बात रख दूं उसके बाद तुम पूछना, हम फिर जवाब देंगे, फिर जवाब देंगे, मेरा तो पूरा ट्रेन ऑफ थॉट को आगे आ जाने दे, एक बार ट्रेन को स्टेशन पहुंचाने दे। तो P&L जब बना चुके हैं तो दोबारा तुम इन्वेंट्री को विचेवर इज लोअर करके कहां क्या करेगा तुम। नेक्स्ट, इस तरह का बात जब कॉस्ट और एनआरवी का वैल्यूएशन का बात आता आएगा ना, कि ये कॉस्ट है ये एनआरवी है, तो ये ट्रायल बैलेंस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं होता, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप ईयर एंड में जाते हो इन्वेंट्री वैल्यू करके लाते हो, बोल तो ये रहा कॉस्ट ये रहा एनआरवी, ले विच एवर इज लोअर, चल ट्रेडिंग PL में लिखते हैं, माने ट्रायल बन चुका होता है, हम उसके बाद जाते हैं गोडाउन में, इन्वेंट्री का स्टॉक शीट लेके जाते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, एनआरवी निकालते हैं, लोअर निकालते हैं, PL में लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये पूरे ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है, इसका मतलब स्टॉक अकाउंटिंग हो चुका है, और स्टॉक अकाउंटिंग हो चुका है ये PL से भी पता चल रहा है, क्योंकि आपका ये ट्रायल ऐसा है जिसमें एक भी इनकम एक्सपेंस नहीं है, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला
जा चुका, ये रहा देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो तुम्हारे पास स्टॉक के साथ कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह गया है, नाउ यू आस्क। हाँ, इसीलिए बोलते हैं हमको पूरा बात बोल लेने दिया करो, उसके बाद नहीं रहेगा बोलने के लिए। चलो मिलते हैं। हाँ हाँ, अभी एक वीक तक आएगा, उसके बाद आप लोगों के ऐप में आएगा। सो कल हम लोग 7